जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जब युवराज सिंह 33 शतक से चूके थे और वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 253 गेंद खेलकर गदर मचाया था और धवन का भी यहाँ पर तहलका देखने के लिए मिला था उसी पूरे मैच के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मैच था ना, काफी दिलचस्प मुकाबला था और युवराज सिंह की पारी के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप जरूर चौंकने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप सभी बने रहिएगा। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही है आईपीएल वगैरह को लेकर, उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि 24 मार्च को होगा आईपीएल को लेकर बड़ा फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अहम बैठक, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ में क्या कयास लगाए जा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी खबर और अपडेट है, तो आप सभी इस खबर को भी जरूर जानिएगा। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि टीम इंडिया के बाद बीसीसीआई ने भी धोनी की छुट्टी की, फैंस का चढ़ा पारा, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे में आप सभी इन तीनों ही खबरों को जरूर जानिए क्योंकि एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी इन सभी खिलाड़ियों को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वहीं हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक दिलीप ट्रॉफी नाम का टूर्नामेंट होता है जहां पर कई मुकाबले खेले जाते हैं, तो वही हम आपको बताएं कि 2012 में जब दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा था सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन के बीच में था, तो दोस्तों वहां पर एक हमें ऐसा मुकाबला देखने के लिए मिला था जहां पर सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन की तरफ से काफी धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सभी खिलाड़ियों ने काफी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो वही हम आपको बताएं कि 2012 में युवराज सिंह को तो सभी जानते थे कि वो कैसा शानदार प्रदर्शन करते थे, तो इसी बीच उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ पारी खेली थी जहां पर हर कोई उनकी तारीफ करने से नहीं चूक रहा था। तो वही हम आपको बताएं कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह का करियर थोड़ा धीमे धीमे अटकता चला गया और वो कुछ भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके शरीर में कैंसर पाया गया था, जिसके चलते युवराज सिंह की फॉर्म में जरूर हम सभी को थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन जब उन्होंने अगले साल वापसी करी थी क्रिकेट में तो उन्होंने इतनी जबरदस्त और ताबड़तोड़ पारी खेली जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया था। जी हां दोस्तों, ये जो मुकाबला है वो 2012 में खेला गया जो कि सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन के बीच में हुआ। तो वही हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में जो नॉर्थ जोन की तरफ से खेल रहे थे खिलाड़ी, उसमें जो शामिल थे वो थे राहुल, शिखर धवन, नितिन सैनी, युवराज सिंह, मनदीप सिंह, पारस डोगरा, ऋषि धवन, अमित मिश्रा, राहुल शर्मा, ईशांत शर्मा और परविंदर अवाना। तो मतलब कि नॉर्थ जोन की टीम में आप सभी को युवराज सिंह और शिखर धवन जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर दिखते हैं। तो वही बात करें सेंट्रल जोन में जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें जो खिलाड़ी शामिल थे वो थे तन्मय श्रीवास्तव, विनीत सक्सेना, मोहम्मद कैफ, रोबिन विस्ट और अगर खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज का नाम ले भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार यहाँ पर शामिल थे। तो वही टॉस होता है और टॉस के बाद पहली इनिंग में नॉर्थ जोन की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है और नॉर्थ जोन की टीम की तरफ से पहली पारी में 119.2 ओवर में अपने 10 विकेट खोकर 451 रनों की शानदार पारी देखने के लिए हम सभी को यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी आप अगर स्कोर कार्ड में नजर डालोगे तो नॉर्थ जोन की टीम की तरफ से शिखर धवन ने 121 रनों की शानदार पारी खेली थी मात्र 200 गेंदों में और इस दौरान उन्होंने 14 चौके भी लगाए थे और टेस्ट के मुकाबले से उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 60 के पार का पहुंच चुका था। तो नितिन सैनी ने 35 रन बनाए, मनदीप सिंह ने 4 रन, बाकी अगर आप सब खिलाड़ियों के रन देखेंगे तो कुछ भी इतना ज्यादा खास कोई प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो अब सवाल ये उठता है कि 451 रन आखिरकार नॉर्थ जोन की टीम ने बनाए कैसे? जी हां दोस्तों, वो बनाए युवराज सिंह की मदद से। यहां पर युवराज सिंह ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 गेंदों में 208 रनों की शानदार पारी खेली और यहां पर उन्होंने 33 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे। तो वहीं सेंट्रल जोन की तरफ से प्रवीण कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट, भुवनेश्वर कुमार और ऋतुराज ने एक एक विकेट हासिल किया था। तो वहीं स्पिन गेंदबाजी करने आए मुरली कार्तिक ने 4 विकेट यहां पर चटकाए थे। तो वहीं बात करें सेंट्रल जोन की टीम के बारे में तो सेंट्रल जोन की टीम ने पहली पारी में नॉर्थ जोन से ज्यादा रन बना दिए थे और यहां पर उन्होंने अपने 10 विकेट खोकर 469 रनों की बेहतरीन पारी खेली और यहां पर जो सबसे अच्छी बल्लेबाजी की वो मोहम्मद कैफ ने की, उन्होंने 63 रन बनाए 178 गेंदों में। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 128 रनों की शानदार पारी खेली थी। बाकी आप सबका स्कोर कार्ड भी यहां पर देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका क्या मानना है युवराज सिंह के बारे में, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आप युवराज सिंह को कितना मिस करते हैं 10 में से, आप जरूर उन्हें अंक भी नीचे कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि 24 मार्च को होगा आईपीएल को लेकर बड़ा फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, बढ़ते हुए इस महामारी को देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला किया है कि मंगलवार यानी कि 24 मार्च को एक अहम बैठक होगी जहां पर ये जो बैठक होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
यह होने वाली है। तो वही बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी मंगलवार को आगे की रणनीति पर काम करेंगे और बीसीसीआई का कार्यालय अभी बंद हो चुका है और सभी की सुरक्षा को देखते हुए इसे होटल में नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे में बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का फैसला किया गया है। तो वही फ्रेंचाइजीज के मालिकों और बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच में हुई पिछली बैठक में छोटा आईपीएल करवाने समेत काफी बातें हुई थी। तो अब इन्हीं बातों पर कंफर्मेशन टैग लगेगा और हम सभी को पता चलेगा कि आखिरकार इस बार अगर आईपीएल होते हैं तो क्या वो छोटे होंगे या फिर अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होंगे वगैरह वगैरह, वो तो 24 तारीख को ही हम सभी को पता चल पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि टीम इंडिया के बाद बीसीसीआई ने भी की धोनी की छुट्टी, फैंस का चढ़ा पारा। जी दोस्तों, हम सभी को पता है कि वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल के बाद से महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया से बाहर है और इसके बाद वो सेंट्रल कॉन्टेक्ट से भी बाहर कर दिए गए हैं और वहीं एक बार फिर से धोनी की छुट्टी हो चुकी है। दरअसल शुक्रवार को बीसीसीआई ने इंस्टाग्राम पेज इंडियन क्रिकेट टीम के 13 मिलियन यानी कि 1,30,00,000 फॉलोअर हो गए थे। तो जिसके बाद बीसीसीआई ने सभी फैंस को शुक्रिया अदा कहा और इस शुक्रिया पोस्ट पर बीसीसीआई ने 9 भारतीय क्रिकेटरों की फोटो लगाई, जहां पर हम सभी को महान भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम देखने के लिए नहीं मिला। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो सभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहां पर शामिल किए गए लेकिन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं दिखे। तो जिसके बाद फैंस का पारा चढ़ा और उन्होंने गंदे गंदे कमेंट इस पोस्ट पर लिख डाले। बाकी आप यहां पे भी देख सकते हो क्या क्या कमेंट वगैरह थे और फोटो तो आप सबकी स्क्रीन के सामने है ही। लेकिन आपका क्या मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगानी चाहिए थी या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आपको बताएं कि अभी पूरे विश्व भर में एक महामारी ने अपनी चादर बिछा रखी है जहां पर दिन प्रतिदिन इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं बात करें भारत की तो भारत में भी ये महामारी काफी तेजी से फैलती हुई हम सभी को दिखाई दे रही है। तो भले ही अभी इस महामारी के कारण क्रिकेट के मुकाबले टाल दिए गए हैं पर स्थिति सामान्य होने के बाद यह मुकाबले फिर से खेले जाने की संभावना निकल रही है। अभी भारत का श्रीलंका दौरा घोषित कर दिया है जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रीलंका में आप सभी को और ओडीआई सीरीज में भाग लेने वाले हैं, जहां पर भारतीय टीम की कमान T20 में हो सकता है कि रोहित शर्मा के हाथों में थमाई जाए तो वहीं ओडीआई सीरीज के लिए कमान विराट कोहली के हाथों में सौंपी जाएगी। तो ऐसे में खबर ये भी निकल कर आ रही है कि आप सभी को काफी कुछ बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम भी दिख सकते हैं जो कि भारतीय टीम में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, बड़े बड़ी न्यूज वेबसाइट की खबर को माने तो श्रीलंका के दौरे पर आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक बल्लेबाजों की भी वापसी करवाई जैसे ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और काफी समय से एक भी मैच नहीं खेला है तो उनकी भी वापसी अब भारतीय टीम में करवाई जाएगी, जिसके चलते भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और श्रीलंका को श्रीलंका के ही घर में जाकर भारतीय टीम जरूर इस बार हरा पाएगी। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की जो संभावित 15 सदस्यीय टीम है उसमें आप सभी को कौन कौन से खिलाड़ी दिखने वाले हैं। दोस्तों उसमें जो खिलाड़ी शामिल होंगे वो होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ईशान किशन, सुरेश अय्यर, महेंद्र सिंह धोनी, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार और नवदीप सैनी। तो आप सभी को भारतीय टीम की तरफ से ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम का शेड्यूल पूरा क्या है और कब कब मुकाबले खेले जाएंगे। तो दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैच होगी वो आप सभी को जून से जुलाई के महीने में दिखेले और जुलाई के महीने में ओडीआई सीरीज भारत की टीम खेलते हुए आप सभी को दिखने वाली है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की कि आखिरकार किसको ये मुकाबले खेलते हुए भारतीय टीम दिखेगी। तो इसमें दोस्तों आप क्या मानते हो कि श्रीलंका और भारत की टीम में से कौन सी टीम इस बार जीतने में सफल हो पाएगी, आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, 22 मार्च को होने वाले जनता कर्फ्यू को लेकर विराट कोहली बोले, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें। जी दोस्तों 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है जैसे कि आप सभी को पता होगा और ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है तो वहीं भारतीय महिला टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में भी अपना लोहा मनवाया है। तो वहीं कुछ समय पहले बीसीसीआई ने भारत की महिला खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का भी ऐलान किया था। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि उस ऐलान के बाद ही भारत की जो टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया गई थी वहां पर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से काफी शानदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला था हम सभी को। और वहीं हम आपको बताएं कि इस साल 2020 में T20 वर्ल्ड कप में भारत, वहीं हम आपको बताएं कि विराट कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम सभी को इस महामारी के खतरे से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और चौकस और जागरूक बनना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित निर्धारित मानदंडों पर चलना चाहिए। तो वहीं विराट कोहली ने आगे बात करते हुए डॉक्टरों को जो कि इस महामारी से लड़ रहे हैं और अपने पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं उनको शुक्रिया कहा और उन्होंने कहा कि देश और विश्व के सभी को जानने के लिए मिला कि वो भारतीय टीम में शामिल होंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों इस वक्त यही में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।